रानी, तू रो रही है? तू रो क्यों रही है? उठ, इधर आ। बैठ। क्या बात है रानी, घर याद आ रहा है तुझे? याद तो आ रहा है, पर क्या ये नहीं पता ये ले पानी पी। कहने को तो मेरा अपने हाथ पे काबू है, पर क्या पता कब हिल जाए। बंदा लाख कहे कि वो भूल गया है सब, पर दिल कब पलटी मार जाए कोई पता लगता है क्या? इसीलिए तो पूछ रही थी मैं, घर याद आ रहा है तो सवेरे माई साहब से इजाजत ले देती हूं तुझे घर जाने की। तेरी मर्जी है। वैसे सवेरे मुझे ना बड़ी हवेली जाना है, अगर घर के लिए कोई पैगाम है तो दे दे मुझे। दे दूंगी। अरे ये क्या सुबह सुबह मरीजों जैसा सलूक करने लगे हो तुम लोग? जाओ सबको उठाओ, उनसे कौन नाश्ता साथ ही करेंगे। तौबा है, क्या नाइतफाकी, अभी ये सिलसिला रोका ना गया तो ये तो रिवायती बन जाएगी। जी वो क्या बिटर बिटर देखे जा रही है, जा। माई साहब टाइम तो देखिए जरा आप। वो जी 10 बज चुके हैं, सब उठ गए, सब ने नाश्ता कर लिया है जी। अरे रात क्या बेहोशी की गोली खिला दी थी, उठाया क्यों नहीं? वो माई साहब इतने दिनों के बाद तो आप इतने आराम से सोई थी तो मैं क्यों जगाती भला। आराम? कैसा आराम? अरे वक्त निकला जा रहा है, ये रानी कहाँ है? जी ये सूप उन्होंने ही तो बनाया है। अच्छा उसको भेज दो जरा। ये मुराद घर पे है या तेरे पे? ओहो इतने कपड़े रखने की क्या जरूरत है, शाम को हम वापस आ जाएंगे। बीबी रख रही है जी, मैं क्या करूं। रिमशा लीव इट, जिद ना करो,
सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की फाइल लो। आई डोंट नीड फ्रॉम हियर, आई विल बाय सम। मामा मैं आपका गाड़ी में वेट कर रही हूं। आप दोनों कहीं जा रहे हैं? आप? मैं तुम्हारे लिए आप कब से हो गई? मैंने आप दोनों के लिए कहा था, तुम तो मेरे लिए तुम ही हो। रिमशा को अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, शाम को आ जाएंगे। लेकिन मैंने जो सुन मुराद, मैंने तुमसे कहा था इट विल टेक सम टाइम। इंसान कोई स्विच बोर्ड नहीं होता जो अपनी मर्जी से बटन दबाया लाइट ऑन या ऑफ कर दी। तुम कह रहे थे ना शी इज जस्ट अ किड। लेट मी टेल यू समथिंग, नॉट एनी मोर। तुमने पिछले दिनों से इसे 16 साल 9 महीने 11 दिन का रहने ही नहीं दिया। मेरी बात और है, टू बी ऑनेस्ट मैं यहां रिमशा की वजह से नहीं हूं। मैं यहां इसलिए रुकी हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। सिर्फ तुमसे, तुम्हारे इरादों या फैसलों से नहीं। अल्टीमेटली इस तुमसे जो मुझसे मोहब्बत करता है। जिस दिन ये भी मुझसे छिन गया उस दिन मैं सोचूंगी कि मुझे कहाँ जाना है। और मैं चाहती हूं कि जिस फ्रीडम से हम दोनों इस हालात को फेस कर रहे हैं वो फ्रीडम मैं उसको भी दूं। मैं उसे कह दूंगी कि तुमसे सॉरी कर ले और शायद वो कर भी लेगी, लेकिन जो गिरा उसके अंदर लग जाएगी वो मैं और तुम तो क्या, शायद वो खुद भी खोल नहीं पाएगी। जानते हो उसकी सोच की सुई कहाँ अटकी हुई है? कि हम तीनों के बीच कोई नहीं आ सकता। एक्सेप्टेंस तो बहुत दूर की बात है। वाह बीबी, क्या डायलॉग बोले आपने। डायलॉग होता है शमा, तुम भी जाहिल होती जा रही हो इन गवारों में रह के। बीबी मैंने कहा था ना वो सालों वाली बात चुप करा देगी सरकार को। ऐसे ही कहा था देवदास में पारों ने। रहने दो देवदास को, यहाँ तो आगे भी मुझे ही संभालना पड़ा। चाहती तो आप भी यही थी ना। ज्यादा बातें ना बनाओ, चलो। बहुत मजाक सोच रहा तुझे। एक मिनट रुक,
ये देख। अब देख रानी, अच्छी लग रही है तू। उतारने को नहीं कहा था मैंने। मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि मैं छोटी से मिलने जा रही हूँ, बड़ी हवेली। छोटी? हाँ, कल रात को तो बताया था मैंने तुझे। अब बड़ी हवेली में जो गुलबहार बीबी रहती है ना, उनके पास रहती है रियाना, मेरी बहन है वो। हाँ, रात तक वापस आ जाऊंगी मैं। कोई पैगाम है तो दे दे मुझे। गुलबहार बीबी के लिए? अरे नहीं, तेरे अम्मा अब्बा के लिए। दिमाग कहाँ रहता है तेरा? नहीं, वो जाओ तुम, कोई पैगाम नहीं है। अच्छा खैर, तू ना बड़ी माई साहब के पास चली जाना, उन्होंने बुलाया तुझे। और तुम मुझे अब बता रही हो? हाँ तो फिर क्या हुआ, तू अब चली जा। अच्छा मैं चलती हूँ। सलाम माई साहब, आपने बुलाया था मुझे। इधर आ, बैठ। अरे बैठ जा, हम बुलाएंगे तो तुम आओगी। झांके नहीं देखा बुढ़िया जिंदा है कि मर गई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है माई साहब। ऐसी ही बात है, जब से तुम आई हो, मिलने आई हो मुझे, इस कमरे में आते हुए शर्म आती है। अच्छा देखो मुझे क्या मिला। ये आपको कहां से मिली? करम शाह आया था रात को ख्वाब में, कहने लगा रानी की करामत देखो, पहली बहू तो मुराद शाह ने चुनी थी और इस बार बहू ने शाह मुराद को चुन लिया। जी भाई, नाम तो तुम्हीं ने काढ़ा है ना इस पर? जी। क्या दरबार में गुल मचा था, किसी ने बताया था तुम्हें? क्या हुआ था? तो हुआ यूं कि मियां की हवेली शाह मुराद की नानी यानी नियाज बेगम ने खरीद ली, क्योंकि शाह मुराद अगर शहर चला जाता तो गद्दी नशीन तो नामी की रह जाती। नादर,
मुझे तुझसे बात करनी है, मेरे कमरे में आ। क्यों, ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? यहाँ यहाँ भी हो जाएगी, पर पहले मैंने कन्फर्म करना है कि जो मैं सोच रही हूँ बात वही है या कुछ और। चल। रिमशा, इधर आओ मेरे पास। क्या देख रही थी कि रास्ते में एक भी कॉल नहीं आई मुराद की? आई नो इट्स हार्ड फॉर यू बेबी। मैं पहले कभी पापा से नाराज नहीं रही, जिद की है कई बार, लेकिन ये कहकर तुम मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही हो। मैंने इस जंजाल पूरे को अब तक सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया है। मुराद ने बचपन से अपनी जिंदगी इसी माहौल में गुजारी है, लेकिन मैं तो लंदन की पड़ी बड़ी थी। मेरे लिए इस माहौल में एडजस्ट करना कितना मुश्किल था ये तुम अंदाजा कर सकती हो। और अपनी औलाद को जो वो वैल्यूज देना चाहता था मैंने उस पे भी कभी आर्ग्यू नहीं किया। तुम्हें कैसे दूर कर देती तुम्हारे पाप से, अब खुद ही देख लो। इतना सेक्रीफाइस करने का क्या सिला मिला? बड़े मजे से दूसरी ले आया। इतना भी नहीं सोचा कि घर में एक बीवी है, एक बेटी है जो खुद शादी की उम्र को पहुंच रही है। बुरा लग रहा है इस वक्त मुझे इस बारे में बात करना, लेकिन मेरी और तुम्हारी खामोशी और इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना कितना खतरनाक हो सकता है हमारे फ्यूचर के लिए, ये तुम जरा अंदाजा नहीं कर सकती। मैं समझी नहीं मामा। तो समझ लो, ये मजबूरी का फैसला, ये पंचायत का प्रेशर वगैरह कोई इत्तफाक नहीं था, बहुत ही प्री प्लान्ड तरीके से हुआ है ये सब कुछ। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? इट्स वेरी सिंपल माय डियर। बेटे के लिए, जिसे ये लोग वारिस कहते हैं, इन्हें चाहिए होता है ना गद्दी संभालने के लिए। मामा ये आप क्या कह रही हैं? वो चाहे इन्हें दूसरी से मिले, तीसरी से या चौथी से, तो समझ लो जिस दिन वो इन्हें मिल गया ये लोग हमें हवेली से बाहर निकाल फेंकेंगे। जी आपका दिल भी ना सूफीज्म पढ़ पढ़ के बोम हो गया है। पुत्र नादर शाह, वो इस घराने की इज्जत भी तो इसी वजह से कहम है ना। और ना ही इसे कभी खत्म किया जा सकता है और ना ही ये खत्म हो सकता है। कम से कम हमारी जिंदगियों में तो हरगिज नहीं।
अब तक इस खानदान के साथ सिर्फ हमारी विरासत की खटास थी, वो भी कम हो गई थी। लेकिन अब जो तुम करने चले हो ना, इसके बाद यही दुश्मनी में बदल जाएगी। ते की फर्क पैदा है। कमाल है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया पढ़ाया कि शादी के बाद बीवी की क्या जिम्मेदारी होती है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ है। जी, आज ना बड़े जमानों के बाद वो फोटो वाला कमरा खोला है। हाँ, तो जाके देख ना क्यों गया है वहां पर। पूछो उससे, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? ना हो तो पैदा कर, चाय कॉफी सलाद फ्रूट। तो खुद खाने पकाने में इतनी माहिर है, पेट के रास्ते दिल में पहुंच जा। जा जा की देख जा। अरे ला, मुझे भी कोई फ्रूट दे। ये सब तुम, ये तुम क्या कर रही हो? जी वो बर्तन। देखो, इन कामों के लिए घर में मुलाजमीन मौजूद हैं। तुम छोड़ दो, ये
ये छोड़ दो तुम। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने के लिए? तुम ठीक तो हो? माई साहबा जी वो रानी के पांव पे चाय गिर गई है जी। अच्छा फिर क्या हुआ? शाह मुराद उसे गोद में लेके बाहर आया, पांव में कोई दवाई लगाई? नहीं जी, वो तो खुद ही कर रही हूँ और ठंडे पानी में पांव डाले बैठे हैं जी। हाय हाय कैसी नाखल्फ औलाद है मेरी। अरे कुछ नाना की सोबत में उठता बैठता तो क्या मुजायका था। पता है एक दफा क्या हुआ, मेरे हाथ से चाय की प्याली गिर गई, पर इसके नाना की बेचैनी देखी नहीं जाती थी। घंटों मेरे हाथ को प्यार से सलाते रहे, चाय तो उंगली में नाम को लगी होगी। हाय कितने प्यार से मेरा हाथ सलाते रहे। और अरे जाओ डांटो छाटो अपने लौंडे को। एक तो गरम गरम चाय रानी पे गिरा दी, ऊपर से मरम पट्टी का भी रवादार नहीं है वो। रानी कोई टी बैग है जिस पर मुराद चाय उंडेल देगा? और अगर गिर भी गई है चाय तो ऐसी क्या बात है, खुद हकीम है, कर ले अपना ट्रीटमेंट। आप क्यों परेशान हो रही हैं? जैसा बेटा वैसी माँ, अच्छी भली स्कीम खराब करती। अगली दफा ऐसा कुछ करना हुआ ना तो नफीसा बेगम को इधर उधर करना होगा। मैंने दूसरी पायल मांगी थी। मुझसे तो पूछा होता। क्या? बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। रानी इधर देख। बिना पायल के ही बजे घुंघरू,
बिना पायल के ही बजे घुंघरू। सरकार जरा ठंडा रखो ठंडा। मैंने भी इसी गांव में रहना है और आपने भी। क्या मतलब है इस बात का? बड़े बादशाह, मेरा मतलब है कि मुझे इस केस को जरा तड़का लगाने दो। वो मुंडा क्या नाम है उसका? बिलाल। हाँ बिलाल, मुझे उसका पता सुर लगाने दो। उसका पता तो उसके प्यो को भी नहीं है। उसके प्यो का भी तो पता नहीं चल रहा ना। ओए होगा अपने को अजीजों के घर। मुड़ कितने दिन वापस तो आएगा ना सरकार? ओए हमने उसके कुंभे को पूरा करने का ठेका ले रखा है। वो इस वक्त लोहा गरम है बंदे अली। बिलाल वैसे गुम है, प्यो के उसके पता नहीं। वैसे शाह मुराद के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। देखिए बाजी, फरियाल जेनी झटके से बामुश्किल संभल पाई है। कम से कम आपको रिमशा को तो संभालना चाहिए था। तुम्हें लगता है रिमशा अपनी माँ की बजाय मेरी बात सुनती? ये आपने क्या बात कर दी? आपको लगता है कि फरियाल आपके खिलाफ? मैं फरियाल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त उन दोनों का ये फैसला बिल्कुल जायज है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं उन दोनों की हिमायत में तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई। खैर, जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। अब आपका मशवरा क्या है? ये आपकी सोच है सरकार, आपकी सोच। वो जरा सोचे ना, वो किधर मुंह छुपाएंगे हम? कल अगर अमीन आ गया और बिलाल उसके साथ हुआ तो? और वो कैसे ले आएगा उसे साथ? वो तो ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सलाम बीबी सर। वालेकुम सलाम। सरकार फिर क्या तय हुआ? अभी कुछ भी तय नहीं हुआ, जब हो जाएगा बता देंगे। फैमिली का मामला है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जी बेहतर, तू जा। माँ जी, और क्या जरूरत थी इसकी? तुझे हिमाकत करते हुए टोकने की? देख नादर, जल्दबाजी बहुत बुरी बला है। तुझे जल्दी किस बात की है? और यही फिक्र है ना कि वो लोग कहीं रानी को अपने घर में बहू का दर्जा ना दे दें? तो बेफिक्र हो जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं उसके वहां। फरियाल बेगम ने उसकी ऐसी दुखती रग पे हाथ रखा है ना, उस मुराद बेचारे को तो रानी का नाम भी नहीं याद रहा होगा ना। ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी रानी उस घर में। फिकर नाट पुत्र जी,
फिक्र ना कर।